नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूँ। आज 10 दिसंबर सन 2021 कारोबारी सप्ताह का अंतिम दिन यानी फ्राइडे। आज के इस विशेष एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं कृषि जींस, शेयर बाज़ार एवं कमोडिटी बाज़ार में क्या संभावना बनेगी, कहाँ कौन से शेयर तेजी दिखाएंगे और निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या संभावना बनेगी। इसके अतिरिक्त सोना चांदी यानी बुलियन में क्या संभावना बनेगी और कृषि जींसों के अंदर कहाँ है संभावनाएं। सबसे पहले आज की ग्रह स्थिति। आज चंद्रमा कुंभ राशि में है, शनि एवं शुक्र मकर राशि में होंगे, सूर्य केतु एवं मंगल के साथ वृश्चिक यानी मंगल की राशि में विराजमान होंगे, शुक्र ग्रह मकर राशि में शनि के साथ विराजमान होंगे। गौरतलब है कि शनि और शुक्र का अद्भुत संगम मकर राशि में बन रहा है। स्टॉक वॉच, ये सब ग्रह सहयोग बाजारों में मिश्रित रूप की रचना कर सकते हैं। आज भारतीय शेयर बाजार में निफ्टी एवं बैंक निफ्टी के अंदर ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली की संभावनाएं बन सकती हैं। गौरतलब है कि हम आपको लगातार निफ्टी और बैंक निफ्टी में सटीक विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं, जो कि अक्षत सत्य साबित भी होता देखा जा रहा है। निफ्टी एवं बैंक निफ्टी पर हमारा विशेष प्रोग्राम इसी चैनल पर देखना बिल्कुल ना भूलें। आज चंद शेयर्स के अंदर यानी स्टॉक्स के अंदर मजबूती की संभावना बन सकती है, उसमें प्रमुख रहेंगे पीडीलाइट इंडस्ट्री। फेविकोल नाम के ब्रांड की अग्रणी कंपनी भारतीय बाजारों में मानी जाती है और ये एक लीडर के रूप में स्थापित है। दूसरी विशेष कंपनी केमिकल यानी एवं पेंट्स स्टॉक्स के अंदर एशियन पेंट, जो कि पेंट सेगमेंट के अंदर लीडर का रोल अदा करती है। इन दो स्टॉक्स के अंदर आज मजबूती की संभावनाएं बन सकती है। गौरतलब है पीडीलाइट इंडस्ट्री और एशियन पेंट हमारी दिवाली एवं न्यू ईयर पिक में भी शामिल थी और इस जबरदस्त मुनाफा इन दो स्टॉक्स ने लगातार कमा के दिया। अल्प अवधि यानी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स समय पर मुनाफा वसूल करें तो बेहतर रहेगा। एग्रो वॉच, मसाला पैक में काली मिर्च एवं लाल मिर्च में तेजी के संकेत मिल रहे हैं। गौरतलब है काली मिर्च और लाल मिर्च के अंदर तेज़ी की अग्रिम भविष्यवाणी हम लगातार अपने चैनल पर दे रहे हैं और इसमें ज़बरदस्त इजाफा यानी तेज़ी भी देखी जा रही है। आज लॉन्ग के अंदर भी तेज़ी बनने की पूरी संभावनाएं बन सकती हैं। मसाला पैक इस साल बहुत ज़बरदस्त तेज़ी दिखा रहा है, चाहे वो धनिया हो या धनिया ने निचले स्तर पे से स्पॉट प्राइसेस के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी दर्ज कर दी है और ये लगभग 50% से अधिक तेज़ी दर्ज कर चुका है इस साल। तो दोस्तों, मसाला पैक सन 2021-22 का एक प्रमुख सेगमेंट कमोडिटी में बन सकता है, जो कि हम आपको लगातार इसके ऊपर अपडेट दे रहे हैं। लॉन्ग के अंदर भी तेज़ी इसलिए बन सकती है कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में तेज़ी को देखते हुए इस बार लॉन्ग में मजबूती के आसार बन सकते हैं। कोरोना के चलते लॉन्ग में उपभोक्ता मांग भी तेज और बरकरार है। लॉन्ग में नई फसल आने में अभी 2 से 3 महीने का समय शेष है और इस बीच मेडागास्कर की लॉन्ग में आयातक तेज़ी बता रहे हैं। जयपुर में यदि के मंडी के भाव देखें तो ये भाव 700 रुपये से 750 रुपये प्रति किलो बताए जा रहे हैं। उधर मेडास्कर इंडोनेशिया एवं जंजीबार के लोग में लॉन्ग का स्टॉक भी कम बताया जा रहा है। इसी प्रकार श्रीलंका की लॉन्ग में भी काफ़ी बिकवाली आ चुकी है और उसके अंदर भी अब कमी की संभावना बन सकती है। श्रीलंका में मौसम प्रतिकूल होने से वहाँ पर लॉन्ग की फसल कमज़ोर है, अतः लॉन्ग के अंदर तेज़ी बनी रहने की पूरी संभावनाएं बन सकती है। कॉफ़ी के ऊपर भी एक अपडेट दे रहे हैं हम। 10 साल में कॉफ़ी के दाम सबसे अधिक इस साल माने जा रहे हैं। कॉफ़ी की कीमतें आसमान छू रही हैं और कॉफ़ी के भाव पिछले एक साल से लगातार बढ़ रहे हैं। फिलहाल कॉफ़ी के दाम
10 साल में इस साल सबसे अधिक माने जा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ब्राज़ील सहित अन्य देशों में खराब मौसम के कारण कॉफ़ी के उत्पादन पर असर पड़ा है और इसके अलावा बीते एक साल में भी मांग में काफ़ी बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इसके अलावा पोर्ट पर भी लंबी कतार से आयात रुका हुआ है, वहीं किराया भाड़े में भी बढ़ोतरी और ट्रांसपोर्टेशन में परेशानी के कारण भाव रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं। कमर्शियल कॉफ़ी की कीमतों में 100% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज हो चुकी है। वहीं स्पेशलिटी कॉफ़ी की कीमतों में भी 20-30% की तेज़ी देखी जा रही है। दोस्तों, कमोडिटी वॉच आप गवार सीड, गवार गम, सोयाबीन, सरसों के ऊपर विशेष रिपोर्ट हमें भुगतान कर प्राप्त कर सकते हैं। आने वाले 10 से 15 दिन के अंदर सोयाबीन, सरसों इत्यादि पर विशेष रुख रहेगा। क्या तेजी का या मंदी का, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं पेड सब्सक्रिप्शन के लिए। एक काम की बात, सन 1980 में जन्म लेने वाले व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण साल सन 2022 हो सकता है। आप मजबूत ग्रह आपको मान सम्मान एवं व्यापार के नए अवसर प्रदान कर सकते हैं और लाइफ का टर्निंग पॉइंट भी साबित हो सकता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के आधार पर पुखराज रत्न धारण करना, सही समय पर निर्णय लेना व्यापार की तरक्की में अक्सर सहायक सिद्ध होता है। बड़े कारोबारी एवं व्यापारी लाभ प्राप्त करने के लिए पुखराज रत्न धारण करने अक्सर देखे गए हैं। आप भी जयपुर के विश्व प्रसिद्ध रत्न बाज़ार से फैक्ट्री रेट पर सर्टिफाइड राशि रत्न प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए आप संपर्क करें। कोई भी व्यापारिक निर्णय लेने से पहले आप स्वयं का विवेक अध्ययन एवं अपने सलाहकार से भी सलाह ले सकते हैं। आप हमारा डिस्क्लेमर भी बहुत ध्यान से पढ़ें। चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम हर सूचना आप तक सबसे पहले पहुँचा सकें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।